हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपको गाड़ी को मॉडिफाई करना है तो क्या क्या चीजें देखनी जरूरी होती है और क्या क्या चीज आप मॉडिफाई कर सकते हैं। काफी लोग दोस्तों मुझे पूछते हैं कि मेरी गाड़ी थोड़ी ओल्ड हो चुकी है, मुझे कलर करना है, मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो क्या क्या चीजें हमको देखनी चाहिए मॉडिफिकेशन में। दोस्तों, आज हमारे साथ में है अल्टिस। अल्टिस को हमने टोटली मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई मतलब पूरा डाउन कोट पेंट किया है। कौन सा पेंट किया है, क्या किया है और क्या क्या एडिशनल चीज़ें की है, ये सारी चीज़ों का बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर में हम लोगों ने ये पूरी गाड़ी को पेंट किया है, तो आप देख सकते हो कि जो गाड़ी का कलर है ये हम लोगों ने ड्यूपॉन्ट का कलर किया है। गाड़ी का कलर चेंज नहीं किया, सेम कलर रखा है। ग्रिल के ऊपर और थोड़ी जो पार्ट्स है उसके ऊपर थोड़ा कार्बन फाइबर का लुक दिया है, जो हाइड्रोग्राफिक का जिसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिच लग रहा है, तो हम लोगों ने थोड़ा उसको कॉन्ट्रास्ट कलर में किया है। गाड़ी जो है वाइट कलर की है और ये जो है ग्रिल ब्लैक कलर की, तो ये कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलॉय व्हील भी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, कि अलॉय व्हील में हम लोगों ने ब्लैक कलर का थोड़ा शेड दिया है, काफ़ी अच्छे अलॉय व्हील लग रहा है इसके। मेरे के भी जो कवर्स है ये भी यहाँ पे यूजुअली स्क्रैचेस ज़्यादा थे मेरे पुराने इसमें, तो उसे भी हम लोगों ने थोड़ा कार्बन फाइबर कोट कर दिया है। कलर की क्वालिटी, शाइन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, तो कलर में भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के कलर्स आते हैं। हम लोगों ने जो ड्यूपॉन्ट कलर से उसको पेंट किया है। हैंडल्स है, हैंडल्स के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन फाइबर का थोड़ा यूज़ किया है। यहाँ की जो डोर की जो पट्टी होती है इसको भी हम लोगों ने थोड़ा कार्बन फाइबर का कलर दे दिया है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो कैसा दिख रहा है। तो ये डोर पट्टी देखो कैसी अच्छी लग रही है कार्बन फाइबर लुक में। ये जो स्पॉइलर है इसको भी थोड़ा एक अलग से लुक दे दिया, तो ये उठ के दिख रहा है काफ़ी अच्छा। ये टेल लाइट ब्लेजर जिसे कहते हैं इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन फाइबर का शेप दे दिया है थोड़ा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल गाड़ी। इसे कहते हैं थोड़ा मॉडिफाई करना, और काफ़ी लोग अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने की है ये गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों पहली चीज़ आपको मैं बताता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे टच स्क्रीन डाला है JVC कंपनी का। इसके अंदर एक रियर कैमरा भी कनेक्टेड है, तो आप अगर रिवर्स में डालते हो तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है। टच स्क्रीन टेप के साथ मैं रिवर्स कैमरा भी कनेक्ट किया, जैसे मैं देखो इसको रिवर्स में डालता हूँ अभी, तो आपको देखो यहाँ पे दिख सकता है ये रिवर्स का कैमरा चालू हो गया, तो आपको पार्किंग में काफ़ी आसानी होती है। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों बाइक है, तो ये टेप के साथ में कनेक्टेड है, तो आपको अगर आपके फ़ोन को इसके साथ में कनेक्ट करना है तो आप फ़ोन को कनेक्ट करके किससे बात करना है इमरजेंसी, तो आप बात भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एक म्यूज़िक सिस्टम हमने लगाया है। तो यहाँ पे जो लुक है आप देखो, इसको भी कार्बन फाइबर का लुक दिया है। यूजुअली ओरिजिनल जो होता है वो ऐसे टाइप में आता है, लेकिन इसको भी थोड़ा हमने मॉडिफाई किया है, तो काफ़ी अच्छा रिच लुक दे रहा है। पे जो ओडोमीटर का कवर है उसको भी हमने कार्बन फाइबर का लुक दिया है। स्टेयरिंग पे भी देख सकते हो ये साइड दो चीज़ों पे हम लोगों ने कार्बन फाइबर का लुक दिया है। तो डोर हैंडल है दोस्तों, ये डोर हैंडल को भी थोड़ा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे भी आपको स्क्रैचेस वगैरह आते हैं क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे भी हम लोगों ने कार्बन फाइबर का लुक दिया है। काफ़ी रिच लग रहा है इसके अंदर आप देख सकते हो। सीट कवर की दोस्तों बात करते हैं, सीट कवर देखिए ये जो काफ़ी रिच लुक है, तो हम लोगों ने इंटीरियर को मैच करके ये सीट कवर का बनाया है। सीट कवर का जो मटेरियल है ये नापा लेदर का मटेरियल है, तो जो ज़्यादा गर्म वगैरह नहीं होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। स्टिच क्वालिटी भी देख सकते हो काफ़ी अलग अलग आते हैं, और ये प्रॉपर सीट जो ओरिजिनल सीट के जैसा फिट हुआ है, तो काफ़ी लूज वगैरह नहीं है। यूजुअली आप जब शोरूम से लेते हो तो वो जब नाड़ा वाड़ा टाइप में रहता है उसको बांध के ये लोग देते हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉपर क्लिप करके सीट के हिसाब से मोल्ड करके उसको फिट किया है, तो काफ़ी अच्छा रिच दिख रहा है सीट कवर ओरिजिनल। यहाँ पे आप हैंड रेस्ट देख सकते हो, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया, इसके ऊपर भी थोड़ा लेदर फिनिश दिया नापा लेदर का। रियर सीट भी देखो काफ़ी अच्छी लग रही है, रिच लग रही है, और नीचे मैट्स देख सकते हैं, थोड़ी ग्रास फिनिश के मैट्स है, काफ़ी अच्छी रिच लुक दे रहे हैं गाड़ी के अंदर। यूजुअली आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो गाड़ी कैसी अच्छी लग रही है। तो बीच का जो पोर्शन है वो है कार्बन फाइबर वाला, जिसे हम लोग हाइड्रोग्राफिक कहते हैं, वो उसका यूज़ किया है इसके अंदर। पीछे के जो हैंडल्स है उसको भी कार्बन फाइबर का थोड़ा लुक दिया है, तो इससे काफ़ी रिच लग रही है गाड़ी। और ये सीट कवर के हेडरेस्ट को भी सेम थीम देके, तो जो कलर सिलेक्शन है वो गाड़ी के हिसाब से हुआ है। अंदर का जो पार्ट है इससे भी हमने थोड़ा मॉडिफाई करके अंदर कार्बन लुक दिया है। सीट का जो कलर सिलेक्शन है वो गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से सूट करने के लिए किया है, और काफ़ी मेहनत की है ललित भाई ने इसके ऊपर। अलॉय व्हील्स को देखो यहाँ पे ब्लैक पेंट कर दिया है, यूजुअली रिकमेंडेड नहीं है लेकिन ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़े स्क्रैचेस वगैरह थे अलॉयज के ऊपर, तो काफ़ी अच्छे से पेंट करके उसको नीट एंड क्लीन कर दिया है कम बजट में।
तो दोस्तों ये जो कार है ये 2011 की मैन्युफैक्चर्ड है। दिस इज अ प्रीमियम सीडान, यू कैन से बिकॉज अल्टीस प्रीमियम सीडान में आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मॉडिफिकेशन जो हमने किया है ये थोड़ा कॉर्पोरेट लुक ध्यान में करके किया है और थोड़ा स्पोर्टी लुक, ज्यादा स्पोर्टी भी मुझे पसंद नहीं है। सोफिस्टिकेटेड कार दिखनी चाहिए ना कि गंदी दिखनी चाहिए, तो हम लोगों ने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टाइप का इंटीरियर जो चेंज है वो किया है, बाहर से भी वैसा चेंज किया है। यहाँ पे डोर स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग के ऊपर कवर भी लगाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कवर, इसे ग्रिप भी अच्छी आ रही है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी नई हो गई है, तो थोड़ा रिफर्बिश किया है गाड़ी को। तो जो भी इंटीरियर का काम हुआ है ये प्रोफेशनल वे से हुआ है, क्यों इसके ऊपर कोई ना फिल्मिंग लगाई है ना ऐसा ऊपर से कलर मारा है, ये प्रॉपर हम लोगों ने प्रॉपर हाइड्रोग्राफिक करके इंटीरियर को डिज़ाइन किया। तो इसके ऊपर कभी स्क्रैचेस वगैरह आएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये पिल ऑफ वगैरह नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी यूज़ किया है इसके अंदर, सीट कवर की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी वाली यूज़ की है, क्योंकि मुझे ये कार थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रखना है, उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ों का सिलेक्शन किया है। तो दोस्तों ओवरऑल क्लीन भी किया है अंदर से अच्छे से, गाड़ी बाहर से प्रॉपर पॉलिश भी हुई है, गाड़ी दोस्तों पॉलिश हुई है, कलर हुई है पूरी। आपको अगर और चाहिए तो आप इसके ऊपर सिरेमिक कोट वगैरह भी करवा सकते हैं, अगर सिरेमिक कोट वगैरह आपको करना है तो उसका भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी करवा सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको ये गाड़ी ऐसी मॉडिफाई करनी है आपको और आपको कुछ बजट या कोटेशन चाहिए तो मैं ललित भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपको सब इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसको जो हम लोगों ने रिफर्बिश किया है इसका ओरिजिनलिटी का ध्यान में रख के किया है, स्पॉयलर्स वगैरह थोड़ा डाल के, थोड़ा उसका लुक दे के, और जो इंटीरियर वगैरह जो है वो क्लासी लुक में करना था मुझे, एकदम ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं करना था बिकॉज दिस इज़ अ प्रीमियम सीडान। तो उसे हम लोगों ने क्लासी बनाने को ट्राई किया है। आप देख सकते हो कि ये गाड़ी आज जो आज के तारीख में जो ऐसी दिख रही है एज गुड एज न्यू दिख रही है, तो मुझे थोड़ा रिफर्बिश करना था, तो वैसे ही हम लोगों ने सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के गाड़ी को पूरा रिफर्बिश किया है। पूरा भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी थोड़ा चेंज करना था, इंटीरियर मुझे थोड़ा डिफरेंट करना था तो वो हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा कार्बन फाइबर लुक देके, और सीट कवर्स नहीं डाल दिए, मैट्स जो ग्रास मैट्स है वो नहीं डाल दिए, थोड़े डोर हैंडल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आती है तो उसको हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो अंदर के डोर्स होते हैं अंदर में स्क्रैचेस आते हैं उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा कार्बन फाइबर का टचअप दे दिया। तो ये थोड़ा ओवरऑल नीट एंड क्लीन दिख रही है गाड़ी। तो बस इतना ही है ये इस वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है ये मॉडिफिकेशन को रिलेटेड, आपके दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसे आंसर करने के लिए। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आपको ये मॉडिफिकेशन, आपके सुझाव क्या है इस गाड़ी को लेकर, और क्या और एडिट चीज़ें कर सकते हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो हम लोग उसके बारे में भी सोचेंगे। इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो इस ये जो मैंने मेरे हिसाब से किया है, अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस होता है, तो ऐसे एक मैंने आइडिया दी कि क्या क्या मॉडिफिकेशन आप कार के अंदर कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों एक अल्टीस गाड़ी थी, लेकिन आप दूसरी गाड़ियों के ऊपर भी कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ललित भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनके कॉन्टैक्ट करके कोटेशन ले सकते हो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपको किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।